हेलो फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का ये एक स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है, ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। मींस इसने 7 टाइम्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स इसने क्रॉस किया, इसलिए इसे हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं, जो कि एक जी प्रोटीन से लिंक होता है, इसलिए हम इसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं। मींस व्हेन कोई भी लिगेंड जब आके इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो फिर ये जी प्रोटीन जब लिगेंड बाइंड करेगा तो जी प्रोटीन फिर एक्टिवेट होता है, ब्रेक होता है जी अल्फा और बीटा गामा में, फिर वो आगे सिग्नलिंग करता है। तो पढ़ते हैं क्या होता है ये। इट इज़ द सेल सरफेस रिसेप्टर। ये एक सेल सरफेस पे रिसेप्टर होता है। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन सर्पेंटाइन रिसेप्टर। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मीन्स ये एक प्रोटीन का, ये रिसेप्टर जो है प्रोटीन का ही बना हुआ है, प्रोटीन ही है बेसिकली, जिसने 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, इसीलिए हम इसे सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। इट इज़ अ जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर हैविंग अल्फा हेलिक्स। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि ये जी प्रोटीन से लिंक होता है, और इसका जो प्रोटीन पार्ट होता है रिसेप्टर का, वो अल्फा हेलिक्स का बना होता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बाइंड विथ अ लिगेंड एंड एक्टिवेट अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड अ जी प्रोटीन। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है, जब उस पर लिगेंड आके बाइंड करेगा तो अपने जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। The activated G protein then interacts with the enzyme in the membrane. The G protein changes shape, become active and split into two different subunits. When ligand bind करेगा receptor से, तो G protein activate होता है, उसके पास GDP attach होता है जो उसको inactive form में रखता है। तो GDP को हटा के एक enzyme है जो कि GDP को हटा के GTP attach करवाता है और उसको active करता है, और जो जी प्रोटीन है वो ब्रेक हो जाता है जी अल्फा और बीटा गामा में। तो जो जी अल्फा प्रोटीन है वो फर्दर एंजाइम को एक्टिवेट करता है और फिर सिग्नलिंग करवाता है। तो हम देखते हैं जी प्रोटीन क्या होता है। पहले तो दीज जी प्रोटीन स्विच बिटवीन एंड ऑन स्टेट व्हेन जीटीपी इज बाउंड। जब इन जी प्रोटीन से जीटीपी आगे बाउंड करेगा तो वो सिग्नलिंग ऑन हो जाएगी, और जब जीटीपी बाउंड करेगा तो सिग्नलिंग ऑफ हो जाएगी। इन द ऑन स्टेट दे यूजली हैव इंट्रिंसिक जीटीपीएज एक्टिविटी। जब वो ऑन स्टेट में होते हैं तो उनके पास जीटीपीएज एक्टिविटी होती है, एंड शट देमसेल्व्स ऑफ बाय हाइड्रोलाइजिंग देयर बाउंड जीटीपी टू जीडीपी। तो जब वो ऑन होते हैं उनके पास जीटीपीएज एक्टिविटी होती है, जब उनका काम हो जाता है तो फिर वो जीटीपी को हटा के जीडीपी से अटैच हो जाते हैं और ऑफ कर देते हैं अपनी सिग्नलिंग। इसकी सिग्नलिंग कुछ ऐसे चलती है, जब ये जी प्रोटीन है हमारा और ये ऑफ है क्योंकि इसके साथ जीडीपी अटैच। हमारे पास एक होता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये फैक्टर क्या करता है, ये हमारे जी प्रोटीन से जीडीपी को हटा के जीडीपी अटैच करवाता है, और फिर हमारी जो सिग्नलिंग है वो एक्टिव हो जाती है। देन जब इसे ऑफ होना होता है तो गैप है जीटीपी इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। गैप एक प्रोटीन है जो कि फॉस्फेट को रिमूव करके जीटीपी से फॉस्फेट को रिमूव करके उसे जीडीपी में चेंज कर देता है, और हमारा जी प्रोटीन है वो ऑफ स्टेट में चला जाता है। इस तरीके से हमारा जी प्रोटीन काम करता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या क्या है जो कि जीपीसीआर के थ्रू होते हैं, इस रिसेप्टर्स के थ्रू। जीपीसीआर रिसेप्टर के थ्रू फर्दर जो सिग्नलिंग होती है उसमें ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन भी हो सकता है, बिहेवियरल सेंसिटाइजेशन हो सकता है एंड लर्निंग इन एप्लाइसिया, विजुअल एक्साइटेशन हो सकता है, सिक्रीशन हो सकता है, कीमोटेक्सिस हो सकती है। मींस कोई केमिकल भी आके बाइंड करेगा तो फर्दर सिग्नलिंग होगी। स्लोइंग ऑफ पेसमेकर एक्टिविटी को स्लो भी करता है। इसके रिसेप्टर्स जो हैं, किस जीपीसीआर का जो रिसेप्टर है वो किन किन चीज़ों के लिए हो सकता है, मतलब इसके लिगेंड क्या क्या हो सकते हैं।
प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, इम्यून सेल्स भी हो सकते हैं, एड्रिनलाइन हो सकता है, स्मेल हो सकता है, ये कोई लाइट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, कोई साइट हो सकती है, कोई डिजीज़ फैक्टर हो सकता है, स्मॉल पेप्टाइड्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमारे GPCR के रिसेप्टर से बाइंड कर सकते हैं। अब हम एक समरी देखते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। हमने ये देखा कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है क्या, मीन्स ये एक ऐसा ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है जिससे हमारा जी प्रोटीन अटैच होता है। जब जब लिगेंड आके इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो हमारा GTP जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है थ्रू JAF। JAF क्या करता है, GTP को हटा के GTP अटैच करवाता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होगा तो फिर किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और वो फर्दर सिग्नलिंग करवाएगा। नेक्स्ट हमने देखा है कि हमने जी प्रोटीन देखा वो कैसे काम करता है। जी प्रोटीन से जब GDP बाइंड होता है तो वो ऑफ स्टेट में रहता है। JAF एक फैक्टर है जो कि GDP को रिमूव करके GTP ऐड करता है, वो ऑन स्टेट में आ जाता है। एंड जब इसे ऑफ होना होता है तो GAP एक फैक्टर है, प्रोटीन है, GTP इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो फॉस्फेट को रिमूव कर देता है और फिर से वो GDP स्टेट में आ जाता है और ऑफ हो जाता है। इस तरीके से हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।